You just don't have to shake your heads. Okay. Head nodding is not allowed. You have to speak up. Okay. Chalo. So, we are doing alkane ka synthesis. In that, we are moving on to the next synthesis method, which is what's synthesis, students. Okay. We are done with catalytic reduction of unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes. If in case you do not remember those reactions, I'm sure you must have done the homework. If not, then go back to the same lecture recording, which is there on YouTube.

सिंथेसिस नंबर टू वसिस इनको अपन क्या बोलते हैं नेम रियक्शन वाई बिकॉज इस रिएक्शन के पास एक नाम है प्रॉपर वर्ट सिंथेसिस नेम है इसके पास नॉट ने साइंटिस्ट का नेम होना चाहिए बट अदरवाइज केमिकल नेम भी अगर होगा जैसे कंडेंसेशन आप पढ़ने वाले हो फ्यूचर में कैनिजारो रिएक्शन आप पढ़ने वाले हो ठीक है सो so, वो सारे रिएक्शन इन सबको अपन क्या बोलते हैं वी कॉल देम एज नेम ओके स्टूडेंट्स ठीक है सो स्टार्ट फर्स्ट आप सब लोग अपने अपने पेन नीचे रख दो पहले पेन नीचे रख दो यहाँ पे ध्यान दो पूरा फोकस ओवर एंड मेक श्योर कि जैसे ही मैं आपको रिएक्शन दूंगा टू सॉल्व यू शुड गेट इट करेक्ट ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक आइडिया बिहाइंडक्शन क्या करना है हमको पता है यू हैव टू टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अलकाइल हलाइड्यूल्स ऑफ अल्काइल हलाइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ओके टू सोडियम मेटल सोडियम मेटल लेना है आपको ट्वाइस एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अलकाइल हलाइट ओके सो आई स्टार्ट विदिक अलकाइल हलाइट I'll start with विथ बेजिक हलका जेनी आर्यन एंड निकित पवार मीत सुपैदा देवशाह अभी भी कैमरा ऑन नहीं हुआ है ठीक है चलो सी एच थ्री एंड बी आर टेलमी स्टूडेंट सी एच थ्री बी आर का मैं क्या नाम दू वॉट आई नेम दिस कंपाउंड कॉमन नेमिंग के हिसाब से कॉमन नेमिंग के हिसाब से आयुष सोनीत टेलमी मानव अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग

मुझे आयु पैक बताओ इसका विल टेल मी आयु पैक आई टेल यू पैटर्न हैलो अल्केन हैलो अल्केन पैटर्न में बताओ मुझे आयु पैक जनित्य टेल मी आयु पैक हैलो अल्केन पैटर्न में हैलो अल्केन आदि पूर्व सृष्टि पंचाल ब्रोमो मिथाइल नो दैट इज रॉन्ग हैलो अल्केन अल्केन फर्स्ट हाफ करेक्ट था तेरा ब्रोमो करेक्ट है ब्रोमो मिथाइल नहीं आएगा ब्रोमो व्हाट इज पैटर्न ओके स्टूडेंट्स यू शुड बी ओके मानव अक्षय वाजपेयी समझ में आ रहा है, है ना तो ये फिक्स हो जाना चाहिए जैसे मैं बोलू कॉमन नेम मुझे याद ना दिलाना पड़े तुमको कि अल्काइल हैलाइड पैटर्न है

एंड देन आई रिपीट द सेम थिंग वापस से वही चीज रिपीट करूंगा सेम अलकाइल हलाइड बट उल्टा लिखूंगा रिवर्स रिवर्स लिखूंगा ठीक है जान बुझके ये देखो पहले आई राइट बी आर एंड देन आई राइट सी एच थ्री अंडर स्टूडेंट्स पहले मैं बी आर लिखूंगा देन सी एच थ्री लिखूंगा बात समझ में आई सबको नाउ अगेन आई डोंव टू राइट देशम आई कैन राइट दिसक दिसम ठीक है अगर साहिल पूछता है सर मैं ऐसे ही लिख दिया तो मुझे रॉन्ग मिलेगा क्या सेम अगर मैं लिख दिया तो मुझे रॉन्ग मिलेगा क्या नहीं रॉन्ग नहीं मिलेगा राइट मिलेगा. मिलेगा लेकिन फॉर आर कन्वीनियंस ये रिएक्शन जैसे प्रोसीड करने वाला है वो बेटर समझने के लिए अगर साहिल ने ऐसे लिखा रिवर्स में लिखा तो बेटर होगा समझ में आया स्टूडेंट्स साहिल ऐसे नहीं लिख सकता बी आर को

बी आर दिस इज माई कंपाउंड राइट एंड इफ दिस देखो ये एक बड़ा सा मिरर है सपोज ओके तो मिररर के अंदर मिररर के अंदर क्या दिखाई देगा मुझे मिरर के अंदर क्या दिखाई देगा इनसाइड द मिरर आई कैन सी बी आर सी एस थ्री यू अंडरस्टैंड ये आपको इमेजिन करना है मिरर के अंदर क्या दिखाई देगा वो वाला पार्ट यू हैव टू राइट ओवर हियर Am I clear, students? Raise your hand if you have understood. Raise your hand if you have understood. Shabash, very good, Aryan. Sure. Well done, Rishita, Rishika. Ha. please ask me your doubts. सोचते ही पूछ, पूछ. But ऐसे reverse में क्यों लिखना है वापस? मैं बताता हूँ, बताता हूँ. मैं बताता हूँ. Just, just a second, okay? As soon as I'll proceed in the reaction, okay. you will understand. As I said, this is for our convenience. This is for our convenience, okay? Let us go ahead. Let us go ahead, students. So.

किडनैप कर लिया किसको किडनैप कर लेगा एन एन किडनैप दिख रहा है स्टूडेंट्स किडनैपिंग कर लेते हैं सब लोग yes, चलो किडनैपिंग करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास तो एने प्लीज चेक स्टूडेंट्स

न आई राइट इट इन दिस पैटर्न सी एच थ्री डैश सी एच थ्री है ना समझ में आया स्टूडेंट्स प्रवांश समझ में आए ये वाला क्या किया हमने प्रवांश समझ में आया यस सर हाँ ये देख ये देख प्रवांश आप अपने को स्टूडेंट्स अपने को माइंड में कैसे देखना है पता ये रिएक्शन ऐसे देखना है. ये देखो ये देखो इसको गायब कर दिया सर आपने इसको भी गायब कर दिया है ना

नाउ सोनित ने क्या बोला पता है तो अच्छा कंसेप्ट है पूछा कैसे सोनित बता मुझे तो सोनित ने बोला सर यू शुड आफ्टर किडनैपिंग इज डन आफ्टर किडनैपिंग इज डन यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दी कार्बन टू विच है कार्बन्स को आपको लिंक कर देना है समझ में आया स्टूडेंट्स तो आपको आपको ये समझाने के लिए आई टेक वन मोर एग्जांपल बट फर्स्ट राइट डाउन दिस नेम ऑफ द प्रोडक्ट इथेन वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इथेन प्लीज यूज कलर कोड्स जैसे मैंने यूज किया है ट्राई टू राइट इन द सेम पैटर्न इन योर बुक स्टूडेंट्स ट्राई टू राइट इन द सेम पैटर्न इन योर बुक यूज बॉक्स ठीक है एंड ऐसे पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करो ऐसे ड्रॉ करो एंड लिखो वहां पे किडनैप किडनैप कर लिया ये भी मेंशन करो ओके okay, प्रवांश ठीक है मेंशन करेंगे ये भी प्रवांश किडनैपिंग वाला भी मेंशन कर देंगे ठीक है तो मुझे याद रहेगा रिएक्शन ओके yes, okay, चलो नेक्स्ट रिएक्शन शोनित इज गोइंग टू अस नेक्स्ट रिएक्शन ओके स्टूडेंट्स

ओके अनिकेत देवशा रिपीटेडली आई हैव कॉल्ड आउट योर नेम्स नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव यू पीपल फ्रॉम द मीटिंग ठीक है अनिकेत पवार जेनी देवशा ने कैमरा ऑन कर लिया बट अनिकेत पवार एंड जेनी बोथ ऑफ यू हैव नॉट स्विच्ड ऑन योर कैमरा डू दैट इमीडिएटली देन स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया रिएक्शन

वापस से लेटस डू एंटायर रिएक्शन ठीक है क्या-क्या लेंगे मैं वापस से रिपीट करूंगा आपके साथ ठीक है पूरा भी रिपीट करूंगा मैं आपके साथ क्या-क्या हमको लेना है आप भी मुझे ओरली बोलते रहो आई वांट एवरीवन टू कीप ऑन शाउटिंग द रिएजेंट्स एंड रिएक्शंस इन योर माइक माइक ऑन करके बिंदास चिल्लाओ ठीक है सो माय रिएक्शन स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड सेम सेम होना चाहिए ठीक है सोनीथ

tell me what is the name of this alkyl group c2 h5 what is the name of this alkyl group c2 h5 ethyl ethyl is right answer ayush well done sonit sonit ka question tha ye ethyl okay okay chalo sonit tell me what is the name of this alkyl group now sonit has to tell me the answer ch3 ch2 dash ch3 ch2 dash how many of you know

सोनी तभी इसको कभी नहीं मिलेगा थाइल ब्रोमाइड चल सोनी टेल मी आयु पैक मैं पैटर्न बता दूं तुझे पैटर्न क्या होगा आयु पैक का हेलो अल्केन वेरी गुड आयुष राइट आंसर है आयुष स्टूडेंट्स इफ यू नो द आंसर कीप ऑन रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स स्वाति वेरी गुड सॉरी ब्रोमो इथेन वेरी गुड सोनी क्या बात है वेल डन सो उसने देखो सिंपल लॉजिक लगाया और दोनों बार मुझे आंसर दे दिया है ना वैसे ही आपको भी सिंपल लॉजिक लगाना है अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोलो कि सर जनरल पैटर्न प्लीज बता दो तो मैं आपको आंसर बता दूंगा ठीक है एग्जाम में भी आप मुझे एग्जाम में बैठोगे तो मुझे खाली एक फोन कर देना कि सर जनरल पैटर्न बोल दो मैं आपको यहाँ से बोल दूंगा यू कैन राइट इट इन योर पेपर ओके साहिल ठीक है चल आगे टेल मी हाउ शुड आई राइट द सेम कंपाउंड इन द रिवर्स पैटर्न मिरर इमेज की तरह कैसे लिखू सोनीत

मीत, yes, क्या आएगा मीत एरो आएगा मीत, आई कैन सी यू मीत, कैमरा ठीक से रख हाँ बोल क्या आएगा, यस आयुष राइट आंसर जनित राइट आंसर वेरी गुड जनेित साहिल राइट right आंसर सबने चैट बॉक्स मुझे रिप्लाई करना शुरू कर दिया यस yes, मीत

नाउ साहिल विल टेल मी साहिल मुझे बता बीआर बीआर का किडनैपिंग हो गया तो कौन रो रहा है कौन दो जन रो रहे हैं C2H5 वेरी गुड C2H5. C2H5 रो रहे हैं दोनों C2H5 रो रहे हैं है ना तो उनको साथ में बैठा दे। यस सर ओके चलो साथ में अटैच कर दे उनको सो so C2H5 एंड देन ये न्यू बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में और ये रहा C2H5 अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स समझ में आ गई बात ये देखो ये वाला सी टू एच फाइव एंड ये वाला सी टू एच फाइव साथ में चले गए है ना सो वॉट इज दैक दिस कंपाउंड आर्यन मी क्या है name, इस compound का प्रोडक्ट का अपना name क्या आएगा? टोटल कार्बन सो विच वेरी गुड आयुष आयुष कॉमन नेम बता मुझे कॉमन नेम बता आयुष आर्यन आंसर आंसर फोर कार्बंस कंटेनिंग एल्कीन का नाम क्या होता है आर्यन वन कार्बन होगा तो मीथेन दो कार्बन होंगे तो इथेन नहीं आयुष दैट इज रॉन्ग आंसर वेरी गुड आर्यन माइथिलीन नहीं 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 आर्यन रॉन्ग सॉरी आयुष रॉन्ग आंसर है, uh, uh, है? आर्यन माइक पे क्यों नहीं बोल रहा क्या हो गया माइक पे क्या हो गया है माइक का रिचार्ज खत्म हो गया क्या नीबडीन टेल मी कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स एनीबडीन टेल मी कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड ब्यूटेन का कॉमन नेम कौन बताएगा मुझे ब्यूटेन का कॉमन नेम स्वाति सृष्टि अक्षय बाजपेई ट्राई करो महक देसाई यू ट्राई ब्यूटेन का कॉमन नेम स्टूडेंट्स मैं आपको हेल्प करूं क्वेश्चन नंबर वन इज दिस स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन वेरी गुड अक्षय क्या बात है वेल डन वेल डन अक्षय क्वेश्चन नंबर वन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन आंसर इज स्ट्रेट चेन क्वेश्चन नंबर टू स्ट्रेट चेन के लिए प्रीफिक्स क्या है एन आइसो या नियो तो आंसर इज एन क्वेश्चन नंबर थ्री टोटल कार्बन चार सो एन ब्यूटेन वेरी गुड स्वाति वेरी गुड स्वाति वेरी गुड स्वाति सो एन ब्यूटेन इज द आंसर राइट है है ना स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर समझ में आ गई बात अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे इसका कॉमन नेम भी आना चाहिए और कॉमन नेम के लिए हमेशा क्या करने का तीन क्वेश्चंस पूछने का स्ट्रेच एंड ब्रांच प्रीफिक्स टोटल नंबर ऑफ खत्म ठीक है एंजॉय कर रहा है समझ में आ रहा है सब कुछ कोई टेंशन की बात यस yes, सर कोई टेंशन awesome. की बात प्रवांश वेरी गुड शाबाश हाँ कुछ भी नहीं समझेगा माइक ऑन करके बोल देने का प्रवांश ठीक है सर मेरे को तो नहीं समझा आप वापस बताओ वापस से किडनैपिंग करवाओ तो अपने पास मानव है मानव yes, किडनैपिंग करने में एक्सपर्ट है किडनैपिंग कर लेगा ठीक है चलो आई होप यू रिएक्शन इफ नॉट प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स क्विकली नोट डाउन द क्विकली चलो जल्दी जल्दी से रिएक्शन नोट डाउन कर लो और जैसे मैंने बनाया है वैसे पैटर्न बनाओ रिएक्शन में ठीक है तो आपको रिएक्शन बेहतर समझ में आएगा और घर पे जब आप स्टूडेंट्स होमवर्क सोल्व करोगे ना तो ऐसे बोल बोल के सॉल्व करने का ठीक है सोडियम बी को किडनैप कर लिया ये बी आर को भी किडनैप कर लिया इथाइल इथाइल रोने लगे दोनों इथाइल साथ में आ गए तो खुश हो गए ठीक है ऐसे यू यू हैव टू एक्सप्लेन सो दैट विल हेल्प इन बिग बिग मैनर आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन समझ में आ जाएंगे <coughs> मैं थोड़ा सा टफ वाला रिएक्शन देने वाला हूँ एंड लेट मी सी अगर आपको ये समझ में आप सॉल्व कर पाओ तो ओके स्टूडेंट्स एंड आई वॉन्ट रिशिता ऋषिका टू हेल्प मी आई वॉन्ट ऋषिता ऋषिका to help me. I want अक्षय वाजपेयी to help me. I want जनेत्या to help me. ये तीनों जन मुझे help करेंगे ठीक है So एक को मैं पूछूंगा नहीं आया तो दूसरे के पास जाऊंगा नहीं आया तो तीसरे के पास जाऊंगा बट इन्हीं में स्क्रीन synthesis ऑल्सो आई गो अड से बट अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे रहा हूँ Others, जिनको आता है, आप बुक में फटाफट -फ़्ट से सॉल्व कर सकते हो एंड बी रेडी विथ यो वेरी प्रॉपरली बाकी लोग बुक में अपने करेंगे फटाफट -फ़्ट से देखो आप तीनों से बेटर हो क्या है? इन तीनों से जो बेटर है उसका भी मुझे नाम जानना है ठीक है ये देखो दिस इज योर रियक्टेंट सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री एंड यहाँ पे कौन है स्टूडेंट्स? सी एल ठीक है ना स्टूडेंट्स? पहले आप ट्राई करो बुक में मिरर इमेज बनाने का इसका मिरर इमेज बनाने का ट्राई करो सबके सब एंड आई विल ड्रॉ ऑन स्क्रीन यस सृष्टि ट्राई करो पार्थ यू ऑल्सो ट्राई प्रवांश ट्राई कर मिरर इमेज बनाने का कार्बन स्केल्टन वही रखना कार्बन वही रहेगा खाली जो हालोजन दिख रहा है लेफ्ट साइड okay? right तो बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा ओके सो मिरर इमेज स्टूडेंट्स अगर आपने खुद से बनाया है तो ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा अगर आपने कॉपी किया है

है ना कीप योर कीप योर माइक ऑफ माइक ऑफ करो सबके सब देखो आपके किस माइक ऑन है किसी का ऑडियो ऑन है ठीक है नाउ एरो लिख दूंगा स्टूडेंट्स में एरो लिख के आई विल राइट ड्राई ईथर ओके स्टूडेंट्स ड्राई ईथर लिख दूंगा मैं है ना ड्राई ईथर क्या होता है पता है क्या होता है स्टूडेंट्स बोलने का सर ये सॉल्वेंट है सॉल्वेंट क्या बोलना पता है दिस इज इनर्ट सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट इनर्ट सॉल्वेंट

चल बोल क्या होने वाला है टू एन ए सी एल शाबाश इनको बॉक्स में डाल दें स्टूडेंट्स बॉक्स में डाल दो इसको चुराएगा इसको चुराएगा पेंसिल से मैं लिख दूंगा किडनैप हो गया है ना किडनैप हो गया तो हम फटाफट -फड़ क्या लिख देंगे ट्वाइस ऑफ स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ सबने लिखा टेलमी सबका ये आंसर आया ट्वाइस ऑफ एन ए सी